सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। मेरा सुधरुआ को अगर मान लीजिएगा जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि मई महीने में देश के पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले नेता का एक बार फिर से शपथ ग्रहण हो जाएगा। चुनावी नतीजे आने से लेकर पीएम के शपथ तक मुश्किल से कुछ दिनों का समय बचा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि देश के जो दो सबसे बड़े गठबंधन है यानी बीजेपी वाला एनडीए और कांग्रेस वाला इंडिया, इनमें से कौन आगे है, किस गठबंधन से कौन सी छोटी बड़ी पार्टियां जुड़ी, किनके नए पुराने सहयोगी साथ आए या चले गए। ऐसे तमाम जोड़ तोड़ का देश के अगले 5 सालों तक जो भी अलायंस सरकार चलाएगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्विच एक्सप्लेन्ड में ऐसे ही जो तमाम सवाल हैं अलायंस से जुड़े हुए उनके जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि गठबंधन की मजबूती के मामले में कौन आगे है। हाँ, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि एनडीए और इंडिया में से कौन कौन जो पार्टियां हैं वो आई और चली गई। इस स्टोरी की शुरुआत में आपने बीजेपी के 100 सीटों से नीचे सिमट जाने वाले नीतीश कुमार के बयान को सुना। 18 फरवरी 2023 को उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस उनकी सुनती है तो बीजेपी 100 सीटों से नीचे सिमट जाएगी। लगता है कि कांग्रेस ने उनकी सुनी नहीं। ऐसे में 2024 की जनवरी के अंत में कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले महागठबंधन को बाय बाय टाटा कर दिया। अब वो अपने सबसे पुराने सहयोगी बीजेपी वाली एनडीए में है। एनडीए का हिस्सा बने ये वो नीतीश कुमार हैं जो इंडिया अलायंस के फाउंडर्स में शामिल थे। इन्हें कई बार इस अलायंस के पीएम पद उम्मीदवार के तौर पर भी उछाला गया इनका नाम। ऐसे ही एक और स्टेट बड़े स्टेट की सीमा ममता बनर्जी, अभी हफ्ते पहले तक इसके कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम वो इंडिया अलायंस जो ये गठबंधन है उसका साथ देंगी। लेकिन 10 मार्च को उन्होंने बंगाल की 42 की 42 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया। तो 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार और 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल की बात करें तो इंडिया गठबंधन को इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं इनके अभी फिलहाल के उन्हीं का साथ नहीं मिला। नीतीश की जेडीयू, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बीजेपी के साथ चली गई है और ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब बात करते हैं 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की। यहाँ की सीएम रही मायावती को लेकर मीडिया में खबरें उछली कि सोनिया गांधी उन्हें इंडिया अलायंस का पीएम पद उम्मीदवार तक घोषित कर सकती हैं। बट एक तरफ इंडिया अलायंस को संडे को ममता बनर्जी ने झटका दिया और मंडे को मायावती ने। 11 मार्च को मायावती ने इस बात का ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीएसपी जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस स्टेट में अभी भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाली इंडिया अलायंस का हिस्सा है, दोनों साथ लड़ रहे हैं। उनके बीच सीट शेयरिंग जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, अभी तक जो लिस्ट आई है उनमें अभी तक रायबरेली और अमेठी जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो वीआईपी सीटें हैं उन तक से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में यूपी, बिहार और बंगाल के 162 सीटों की बात करें तो इंडिया अलायंस की हालत फिलहाल ठीक नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां इंडिया वाले मायावती को अपने पाले में लाने में अनसक्सेसफुल रहे, जबकि बीजेपी ने अखिलेश के सहयोगी रहे जयंत चौधरी की आरएलडी को और सुभाषपा जैसी छोटी छोटी पार्टियों को सक्सेसफुली एनडीए का हिस्सा बना लिया। अब अगर यूपी, बिहार और बंगाल के अलावा बाकी के राज्यों की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात जैसे ऐसे कई राज्य हैं जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का क्लीन स्वीप स्टेट रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दिल्ली से गुजरात तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि अगर अकेले 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली की बात करें तो 2014 और 2019 में बीजेपी ने ये 7 की 7 सीटें जीती। 26 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती आई है। 25 सीटों वाले राजस्थान में भी पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी ने सभी की सभी सीटें जीत ली थी। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले चुनाव में 28 सीटें जीतने में सक्सेसफुल रही थी और महज 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2019 में 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। 10 सीटों वाले हरियाणा में भी बीजेपी ने पिछले चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में हिंदी हार्टलैंड से लेकर बंगाल और गुजरात तक इंडिया वाले फिलहाल कम से कम इन आंकड़ों के सहारे मुश्किल में नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं साउथ के बड़े राज्यों की। अगर नीचे से शुरू करें तो राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में, कांग्रेस जितनी भी सीटें हैं केरल की
उस पर बाकी राज्यों में जो उनकी सहयोगी है लेफ्ट, उन्हीं के खिलाफ लड़ती नजर आएगी। सीपीआई ने एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मैदान में उतार दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 52 सीटें मिली थी लोकसभा की, उसमें 20 सीटों वाले केरल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वहां से शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम जो सीट है शशि थरूर की, वहां से केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा गया है। अगर आप पीएम मोदी की एक्टिविटीज पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि बीते सालों में केरल और तमिलनाडु वो दो राज्य हैं जहां पीएम मोदी ने कई दौरे किए, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। तमिलनाडु में जो डीएमके के सीएमएम के स्टालिन की सरकार है उसके और बीजेपी के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता रहता है। ऐसे में 20 सीटों वाले केरल और 39 सीटों वाले तमिलनाडु में देखने वाली बात होगी कि क्या इतिहास बनाते हुए बीजेपी खाता खोलने में सक्सेसफुल हो पाती है क्या नहीं। तमिलनाडु में तो बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी एआईएडीएमके को अलायंस में लाने की तमाम कोशिशें कर रही है, इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। वहीं इस स्टेट से बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलई लेटेस्ट मीडिया सेंसेशन है। रही बात कर्नाटक की, तो 2019 में भी बीजेपी का ये स्वीप स्टेट रहा था, क्लीन स्वीप। यहाँ बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। बावजूद इसके कर्नाटक में बीजेपी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ अलायंस फाइनल कर लिया। 25 सीटों वाले आंध्रा में तो बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के बीच लगभग जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो गई है। इंडिया अलायंस को लेकर इतना एक्टिव और कैलकुलेटिव तब है जब आपको विश्वास नहीं होगा कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में जब एनडीए से वो अलग हुए थे, अलायंस टूटा था, तो पीएम मोदी के खिलाफ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। चंद्रबाबू ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था उसे इस स्टोरी में इस्तेमाल करना हम ठीक नहीं समझ रहे। फिर भी 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी नायडू तक से हाथ मिलाने से नहीं हिचकिचाई। वहीं 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी, तो यहां जो फाइट है वो ट्रायंगुलर होगी कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और बीजेपी के बीच में। यहां एनडीए हो या इंडिया अलायंस को लेकर कुछ साफ नहीं है। रही सीएम नवीन पटनायक की ओडिशा की बात, तो बीजेपी अपने इस पुराने सहयोगी को पूरा जोर लगा रही है कि वो वापस से एनडीए में शामिल हो जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो 21 सीटों वाले ओडिशा में पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था 2014 के मुकाबले में, और ओडिशा में बीजेपी ने 8 सीटें हासिल की थी। जब पूरे साउथ से लेकर ओडिशा, बंगाल, गुजरात और हिंदी हार्टलैंड की बात हो ही गई है, तो बात करते हैं बिहार से भी बड़े एक स्टेट की, 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की। यह इकलौता स्टेट है जिसकी अलायंस के मामले में हालत खिचड़ी के जैसी दिख रही है। यहाँ ना तो बीजेपी वाले एनडीए और ना ही इंडिया, दोनों का ही गठबंधन के मामले में जो तस्वीर किसी तरीके की है वो साफ होती नहीं दिखाई दे रही। कम से कम ये स्टोरी जब तक आप तक पहुंची होगी तब तक महाराष्ट्र के मामले में एक खिचड़ी की स्थिति बनी हुई है। 2 सीटों वाले गोवा और 4 सीटों वाले हिमाचल में जो मुकाबला रहा है वो सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस का रहा है। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन इन राज्यों में पिछले चुनाव में बेटर रहा है। 13 सीटों वाले पंजाब में अभी तक बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का जो अलायंस है उनकी खबरों को खारिज नहीं किया गया, जबकि दिल्ली में इंडिया अलायंस में साथ लड़ रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस, और पंजाब में दोनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं। दोनों के बीच चंडीगढ़ तक को लेकर बात नहीं जो कि एक सीट है चंडीगढ़ की। 4 लोकसभा सीटों वाले हिमाचल में भी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती आई है। 5 सीटों वाले उत्तराखंड में भी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने मुकाबले में होते हैं, और दोनों ही राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बीते चुनाव में बेटर रहा है। इनके अलावा बिहार से सटा 14 सीटों वाला झारखंड भी अलायंस के मामले में झारखंड से कोई क्लियर पिक्चर आ नहीं रही। यहां पर भी गठबंधन के मामले में महाराष्ट्र जैसी जो हालत है खिचड़ी वाली वही बनी हुई है। अच्छा, इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स रह जाते हैं उनके बारे में तसल्ली से किसी और स्टोरी में बात करेंगे। मीनवाइल ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिएगा स्विच। मैं नाम है तारुक।